हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। इस समय मैं मौजूद हूं अतर्रा तहसील में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो लोग खड़े हुए हैं, ये गांव उतरवा से आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में बहुत पहले बिजली लगाई गई थी, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए थे, ना ही मीटर लगे थे, और इस समय उनको लाखों लाखों का बिल आ चुका है। लोग भरने में असमर्थ हैं। इस मामले को लेकर के वो तहसील दिवस, आज तहसील दिवस है अतर्रा में, जिसमें डीएम और एसपी की अध्यक्षता में तहसील दिवस हो रही है। इस मामले को डीएम तक लेकर के आए हैं। अब देखते हैं कि डीएम साहब किस तरह की कार्यवाही करते हैं और इनकी जो भी समस्या है, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। कितना बिल आया है आपका? हमारे 80,000 बिल आया है। और बताओ, हम गरीब मरई देवा मरई, हम कहे में भर सकते, न हमारे को आगे न बाकी बिघा व खेती नहीं है हमारे पास। और हमें 80,000 आ गया, 10,000 10 साल हुआ, ये कोई नहीं पहुंचा हमारे यहाँ कि कहाँ बिल है, कहाँ कहा है, कैसा है, कोई न कोई पहुंचा। बस हमारे बिल आ गए 80,000, हम कहे भर भी हमारे पास न खेती न बाड़ी, देवा बूढ़ आदमी। तो काहे के लिए कनेक्शन का है? जबरन यहाँ दाई जी कहा थे कि मैं बूढ़ा आदमी है, ना मैं मारा ना लड़का, कहे का ले थे, तो जबरन वकई लिए सबके देख सुन के गाँव बस्ती के। अब आज देखो हम परेशान हूँ बूढ़। हमारी दिक्कत ये है कि ना तो कोई अभी तक हमको नोटिस पहले मिली थी कि आपका बिल इतना आ रहा है, या कोई बिल आया हो हमारे पास तो हमें पता चले कि इतना बिल हो रहा है, हम अपना जमा करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अचानक जो है अमीन साहब यहाँ से गांव पहुँचे और कह रहे हैं कि आपका बिल इतना है, आपकी नोटिस आरसी कट गई है, आप इतना बिल वहाँ जाके जमा करिए। तब हम लोगों को सब सदमा लगा, भयभीत हुए कि हमने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर इसके बाद हम पूरे ग्राम सभा के जितने हमारे कनेक्शन लोग बताए, उनके बना के दिए हैं नाम वाम, फिर वो सब हम लोग यहाँ आए हैं तहसील में। तो मैम यहाँ अब आ करके डीएम साहब से भी मिले हैं, कमिश्नर साहब भी मिले हैं, महोदय जी से थोड़ा सा हमें बढ़िया वो मिला है कि आपका अभी एक्सचेंज को भेजेंगे, आप जैसा भी होगा करेंगे हम। तो फिर मैम बस वही चीज़ है कि हम लोगों के एक तो गरीब लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, इतनी बिजली हमारे यहाँ कोई खपत नहीं है, 1,80,000 रुपया, 1,00,000 से ऊपर भी ये सब बिल है, तो हम लोग कैसे वहन करेंगे, कैसे भरेंगे। हमारा मैम आया है 42,000। मैम जब बिजली नहीं आई कभी तो हम कैसे यूज कर, कभी जब पहले शुरू में मैम जब पहले ये सब कुछ नहीं था, हमें खुद वो लगता था, कह रहे थे पहले ये भी कहे थे कि बिजली बिल नहीं लगेगा आपको। मैम ये कह रहे हैं कि हम 50 लोग आके आत्महत्या करेंगे, जो ये बिल यहाँ फोकट में आया हुआ है 1,00,000 रुपए कहाँ से भरेंगे, हमारे पास ना खेती है नाम पे, ना हमारे पास आवास है, तो हम कहाँ से वो दे पाएंगे। मेरा बिल मैम 70,000 रुपए है। उतरवा गांव का जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, वहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं और पूरा संतृप्त करा दिया जाएगा, जो भी मीटर जिसके यहाँ नहीं लगे होंगे, मीटर विभाग के सहायक अभियंता शासी अभियंता से मिल करके हम लोग इंडेंट दे करके कार्य को पूरा करा देंगे। सर ये मामला कब से चला? अब मामला तो मेरे संज्ञान में आज ही आया तहसील दिवस के माध्यम से, बल्कि मैं उन लोगों से बोला भी कि हम लोगों के संज्ञान में पहले ऑफिस भी मामला आना चाहिए था। लोगों ने कहा कि बहुत साल हो गए हैं और तो बहुत नहीं, बहुत साल वो सब बिल वाले जो मैटर हैं वो तो उसको भी देख लिया जाएगा। कैसे? जो भी मीटर का एवरेज जिसके घर में जैसा कंजम्पशन होगा उसके अनुसार हम देख लेंगे उसको। सर कह रहे हैं कि बिजली तो है ही नहीं, लेकिन मीटर नहीं, नहीं बिजली है, बिजली है, मैं भी गांव वालों से बात किया हूँ, बिजली है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं, मैं भी गाँव वालों से बात किया हूँ, बिजली है। काम शुरू हो गया? नहीं, काम तो आज भी शुरू है मीटर का, मीटर संबंधित कोई दिक्कत नहीं। सर इसके पहले वो जाना चाहिए तो बातें संज्ञान में नहीं थी, और नए कनेक्शन पर तो मीटर सब लगाए जा रहे हैं, अब पुराने में कुछ लोगों के मीटर नहीं लगे हैं, उसका भी लिस्ट बनवा करके ऑफिस से इंडेंट हम मीटर डिपार्टमेंट को दे देंगे और सारे मीटर लगा दिए जाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।